एस्थमा यानी दमे की बीमारी एक बहुत ही जटिल सांस की बीमारियों में से एक है। पहले आपको भूमिका बताते हैं। हमारा फेफड़ा सबसे पहले एक मेन विंड पाइप से जुड़ा रहता है, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं। ये विंड पाइप आगे जाकर दो ब्रांचेज में बढ़ जाती है और ये दो ब्रांचेज भी फर्दर आगे जाकर कई सारी छोटी छोटी ब्रांचेज में बढ़कर बिल्कुल अंगूर के दाने की तरह दिखने वाले बिल्कुल छोटे छोटे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे गुच्छों से जुड़ी रहती है ये, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। इनसे ब्लड कैपिलरी जुड़ी रहती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो इसके साथ जो हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं ये हमारे ब्लड में मिल जाती है। ये ब्लड दरअसल फेफड़ों से ऑक्सीजन लेने के बाद हार्ट में जाता है। ब्लड फिर वहाँ से पंप होकर पूरे शरीर भर में फैल जाता है और ऑक्सीजन को डिलीवर कराता है। अब देखिए, दमा की बीमारी में हमारे एयरवेज इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन का होना, जलन सा होना, इम्यून सिस्टम का हाइपर एक्टिव हो जाना। क्योंकि हमारे एयरवेज तीन लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। ये बीच वाली स्मूथ मसल के लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। जब दमे की बीमारी में ये एयरवेज ब्रोंकियोल्स वगैरह ये सब जब इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तो ये बीच वाले मसल के लेयर फूलकर मोटी हो जाती है, जिससे ये जो विंड पाइप वगैरह है ये सब जिसके थ्रू एयर पास होकर फेफड़ों तक जाता है, ये एयरवेज के स्पेस को ये नैरो कर देता है। इम्यून सिस्टम से हुए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन के कारण से तो इन एयरवेज के अंदरूनी दीवार पर म्यूकस भी बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है। इससे और ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि सांस लेने के लिए एयरवेज में जगह ही नहीं रहती है। दरअसल इन एयरवेज के ऊपर एक पतली सी मस्कुलर बैंड भी होती है, वो भी एस्थमा के अटैक के वक्त टाइट हो जाती है, जिससे एयरवेज और भी पतला हो जाता है। ओवरऑल इन तीन चार कारणों की वजह से ही एस्थमा का अटैक किसी व्यक्ति को बहुत ही बुरी तरीके से हो सकता है, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है, कुछ सेकंड के लिए तो व्यक्ति की जान ही निकल जाती है। और अब असली बात पे आते हैं कि असल में किसी व्यक्ति को एस्थमा अटैक होता क्यों है, एयरवेज में इन्फ्लेमेशन हो कैसे जाता है जिसके कारण से व्यक्ति को इतने बुरी तरीके से पीड़ा झेलनी पड़ती है, चलिए वो भी जान लेते हैं। हवा में मौजूद कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जैसे पॉलेंस, प्रदूषण, धूल धुआं, और जब ठंडी का समय आता है तब ऐसे व्यक्तियों को एस्थमा का अटैक पड़ सकता है। घर के अंदर मौजूद कुछ ऐसी गंदगी जैसे कॉकरोच जो गंदगी छोड़ता है, पालतू जानवर पालने जो उनके फर होते हैं वो सब जो छोटे छोटे कण हैं उनके शरीर से जो निकलते हैं, या कोई ऐसे फूड जो व्यक्ति को एलर्जी ट्रिगर करवाते हैं जैसे मांसाहारी भोजन हो गया, मछली वगैरह, मूंगफली खाना, बहुत ज़्यादा अंडा वगैरह खाना, कुछ ऐसी स्थितियां जो टेंशन पैदा करें, जो स्ट्रेस पैदा करें, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, एक्सरसाइज करना, या कोई इन्फेक्शन हो जाना, इन सब की वजह से ही हमारे फेफड़ों के एयरवेज में इन्फ्लेमेशन पैदा होने लगता है। असल में ऐसे पेशेंट उनका जेनेटिक्स ऐसा होता है कि उनके अंदरूनी एपिथिलियम एयरवेज की फेफड़ों के अंदर वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाता है उनकी जेनेटिक्स की वजह से कि इन सब चीज़ों के प्रति ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ये सब फेफड़ों के एयरवेज के लिए एक ट्रिगर की तरह होते हैं। तो एस्थमा का मूल कारण जेनेटिक्स हो सकता है और एनवायरनमेंट दोनों हो सकता है। दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से ही व्यक्ति में एस्थमा का देखा जाना संभव हो सकता है। लक्षण इसके क्या क्या होते हैं? लक्षण इसका बहुत ज़्यादा खांसी आना, सांस फूलना, बहुत ज़्यादा बलगम का बनना, बलगम से सफोकेशन होना, कमजोरी होना, सीने में जकड़न सी महसूस होना और वीजिंग की आवाज़ आना, ये सब तो इसका बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। इसका कोई इलाज नहीं है, बस मेडिकेशन के थ्रू इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इनहेलर वगैरह और कुछ टैबलेट्स के थ्रू, ताकि व्यक्ति को एस्थमा का अटैक न आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द दुनिया इस बीमारी का क्योर ढूंढ ले।